नबी से बढ़ा वकार सुखन, यही सुखन है हकीकत में ताज दार सुखन। कसीदा लिख रहा हूँ, आज जहरा की विलादत है। कसीदा लिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा और आप आगे तशरीफ लाए तो ज्यादा। कसीदा लिख रहा हूँ, आज जहरा की विलादत है। कसीदा लिख रहा हूँ, आज जहरा की विलादत है। मेरे मालिक मुझे कुछ खास लफ्जों की जरूरत है। मेरे मालिक, कसीदा लिख रहा हूँ, आज जहरा की विलादत है। मेरे मालिक मुझे कुछ खास लफ्जों की जरूरत है। यहाँ से तारीख आपकी नजर में, यहाँ अरब की लड़कियों को पहले जिंदा दफन करते थे। अरब की लड़कियों को पहले जिंदा दफन करते थे। विलादत आपकी जब से हुई तब से गनीमत है। अरब की लड़कियों को पहले जिंदा दफन करते थे। विलादत आपकी जब से हुई, विलादत आपकी जब से हुई, विलादत आपकी जब से हुई, अरब में लड़कियों को पहले जिंदा दफन करते थे। विलादत आपकी जब से हुई तब से गनीमत है। कलम ने अपने सर को ढक लिया कागज की चादर से। कलम ने अपने सर को ढक लिया कागज की चादर से। उसे मालूम है ये फातिमा जहरा की मिदत है। कलम ने अपने सर को ढक लिया कागज की चादर से। कलम ने अपने सर को ढक लिया कलम ने अपने सर को ढक लिया कागज की चादर से। उसे मालूम है ये फातिमा जहरा की मिदत। कलम ने अपने सर को ढक लिया कागज की चादर से। उसे मालूम है ये फातिमा जहरा की मिदत है। एक मतलब और, एक शेर और इस सिलसिले से हाजिर करता हूँ कि बड़ा नाजुक सा मतलब। शाम तक आ जाएगा जब इम्तिहाने फातिमा। शाम तक आ जाएगा जब इम्तिहाने फातिमा। फिर पढ़ता हूँ मिश्रा। शाम तक आ जाएगा जब इम्तिहाने फातिमा। ज़ैनबो कुलसूम होंगी तर्जुमाने फातिमा। चश्मे नामहरम से दूर। आपके नक्शे कदम हैं चश्मे नामहरम से दूर। पाए हैदर ढांप लेते हैं निशाने फातिमा। आपके नक्शे कदम हैं, क्या सुने आप? आपके नक्शे कदम हैं चश्मे नामहरम से दूर। आपके नक्शे कदम हैं चश्मे नामहरम से दूर। आपके नक्शे कदम हैं चश्मे नामहरम। पाए हैदर ढांप लेते हैं निशाने फातिमा। पाए हैदर आपके नक्शे कदम हैं चश्मे नामहरम से दूर। आपके नक्शे कदम हैं चश्मे नामहरम से दूर। पाए हैदर ढांप लेते हैं। पाए हैदर ढांप लेते हैं निशाने फातिमा। आज जो तारीख है वो जनाबे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान। हाजिर करता हूँ, मुझे शेर याद आ रहा है। हाजिर करता हूँ कि एक बार दुरूद भेज देगा आप अचरा। आपके नक्शे कदम है चश्मे नामहरम से दूर। पाए हैदर
झांप लेते हैं। निशाने फातिमा हादर करता हूँ अकीदों में, हम अपने खाने इमरान रखते हैं। हर मौलाई की शिरकत चाहूंगा, अकीदों में हम अपने खाने इमरान रखते हैं। जहां नहजुल बलागा है वही कुरान रखते हैं। अकीदों में हम अपने खाने इमरान रखते हैं। जहां नहजुल बलागा है वही कुरान। अकीदों में हम अपने खाने इमरान रखते हैं। जहां नहजुल बलागा है वही कुरान रखते हैं। अली ने दोषे अहमद पर हकीकत कर दिया इसको। अली ने दोषे अहमद पर हकीकत कर दिया इसको। कहावत थी कि बस कुरान पर कुरान रखते हैं। अली ने दोषे अहमद पर हकीकत कर दिया इसको। अली ने दोषे अहमद पर हकीकत कर दिया इसको। कहावत थी कि बस कुरान पर कुरान रखते हैं। अदादारों के घर मारूफ फाका हो नहीं सकता। अदादारों के घर मारूफ फाका हो नहीं सकता। हसन के नाम का ये घर में दफ्तर बिल्कुल। मैंने यहाँ दिल्ली में तो पढ़ ही नहीं पढ़ा है, हाजिर करता हूँ। मौला अब्बास मौला अली अलैहिस्सलाम की दुआ है। और करबला के लिए मौला अब्बास को मौलाए कायनात ने मांगा है। सब जानते हैं तारीख आपकी नज़र में छोटे बड़े सब जानते। हाजिर करता हूँ, जिंदगी भर मैं मोहम्मद की हिफाजत में रहा। जिंदगी भर मैं मोहम्मद की हिफाजत में रहा। जिंदगी भर मैं मोहम्मद की हिफाजत में रहा। मेरा बेटा जान देगा अब नबी की जान पर। तीसरा और चौथा मिसरा बतौर खास मौला अब्बास मौलाए कायनात की दुआ है, करबला के लिए मांगा गया। जिंदगी भर मैं मोहम्मद की हिफाजत में रहा। जिंदगी भर मैं मोहम्मद की हिफाजत में रहा। मेरा बेटा जान देगा अब नबी की जान पर। करबला में मैं नहीं तो क्या हुआ बोले अली, दस्तखत अब्बास कर देगा मेरे अरमान पर। जिंदगी भर मैं मोहम्मद की हिफाजत में रहा। जिंदगी भर मैं मोहम्मद की हिफाजत में रहा। मेरा बेटा जान देगा अब नबी की जान पर। करबला में मैं नहीं तो क्या हुआ बोले अली, दस्तखत अब्बास कर देगा मेरे अरमान। दस्तखत अब्बास कर देगा मेरे अरमान पर। मतलब हाजिर करता हूं इसी सिलसिले से, दस्तखत अब्बास कर देगा, दस्तखत अब्बास कर देगा मेरे अरमान पर। वार असगर तूने ऐसा कर दिया मैदान पर। वार असगर, दूसरा मिसरा सुनिएगा, वार असगर तूने ऐसा कर दिया मैदान पर। हर पैगंबर का सलाम आया तेरी मुस्कान पर। वार असगर, थोड़ा सा और मेरे साथ आइएगा। वार असगर तूने ऐसा कर दिया मैदान पर। हर पैगंबर का सलाम आया तेरी मुस्कान पर। मतलब सुनिएगा, बड़ा नाजुक सा मतलब और कलाम में मुझे भी अजीज है। वार असगर तूने ऐसा कर दिया मैदान पर। हर पैगंबर का सलाम आया तेरी मुस्कान पर। तीर खा के पहले हंसता कौन था मैदान पर। तीर खा के पहले हंसता कौन था मैदान पर। सबसे पहला शेर है अजगर का इस उनवान पर। तीर खा के पहले हंसता कौन था मैदान पर। तीर खा के पहले हंसता कौन था मैदान पर। सबसे पहला शेर है अजगर का इस उनवान पर। कत्ल होकर भी रहेगी गुफ्तगु कुरान पर। कत्ल होकर भी रहेगी गुफ्तगु कुरान पर। जिंदगी का जश्न होगा मौत के मैदान पर। कत्ल होकर भी रहेगी गुफ्तगु कुरान पर। जिंदगी का जश्न होगा जैसा मर्जी चाहे सुनिएगा। जिंदगी का जश्न होगा। कत्ल होकर भी रहेगी गुफ्तगु कुरान पर। जिंदगी का जश्न होगा मौत के मैदान पर। बिलखुसूस इस मतले में मैं शुआराए किराम की तवज्जो चाहूंगा। मारिफत का इतना कब्जा हो गया इरफान पर। मारिफत का इतना कब्जा हो गया इरफान पर
अपने शब्बीर लिखा रूह के दालान पर, मारेफत का इतना कब्जा हो गया इरफान पर, अपने शब्बीर लिखा रूह के दालान पर। एक जहरा की अता है, एक खुदा की है अता, आयतें और रोटियां दोनों है दस्तरखान पर। एक जहरा की अता है, एक खुदा की है अता, आयतें और रोटियां दोनों है। एक जहरा की अता है, एक खुदा की है अता, आयतें और रोटियां दस्तरखान पर। एक जहरा की अता है, एक खुदा की है अता, आयतें और रोटियां दोनों हैं दस्तरखान पर। जनाबे थोड़ी सी तभी जिसके लिए जनाबे हुर लश्करे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में सबसे बाद में शरीक हुए। क्या सबब था जो सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जंग की इजाज़त जनाबे हुर को दी? सबसे बाद में लश्करे जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जनाब हुर शरीक हुए हैं, क्या वजह थी जो सबसे पहले जंग की इजाज़त जनाब हुर को दी? एक फिक्र मौला ने अता किया, वो आप तक पहुंचाता हूं। कत्ल होकर भी रहेगी गुफ्तगू कुरान पर, जिंदगी का जश्न होगा मौत के मैदान पर। तीर था के पहले हस्ता कौन था मैदान पर, सबसे पहला शेर है अजहर का। इस उनवान पर हुर को पहले यूं इमामत ने दिया इज़्ने बेगा, हुर को पहले यूं इमामत ने दिया इज़्ने बेगा, प्यास की शिद्दत न बढ़ जाए कहीं मेहमान पर। हक अदा नहीं हुआ अभी, प्यास की शिद्दत न बढ़ जाए। हुर को पहले यूं इमामत ने दिया इसने, प्यास की शिद्दत न बढ़ जाए कहीं मेहमान पर। मेरी तरफ से तोहफा है आज के जश्न का, इसलिए रब ने दिया एजाज़े नफ्से मुतमईन, रब को इत्मीनान था सरवर के इत्मीनान। इसलिए रब ने दिया एजाज़े नफ्से मुतमईन, इसलिए रब ने दिया एजाज़े नफ्से मुतमईन, रब को इत्मीनान था सरवर के इत्मीनान। बहुत बहुत शुक्रिया पदरा। मारूफ सिरसिली साहब अभी आपसे मुखातिब थे और क्या इतना खूबसूरत कलाम आपके सामने पेश कर रहे थे। आइए हजरात, वक्त तेजी से गुजर रहा है और मैं सिरसी से अब कानपुर का सफ़र कर लेता हूँ और उस शख्सियत को बुला लेता हूँ जो बहुत अच्छी तरह से आप वाकिफ हैं, बहुत पसंद करते हैं। जनाब शबरोज़ कानपुरी से मेरी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ और शहजादी की बारगाह मंजून नजराने अकीदत पेश करें। आप लोग बुलंद आवाज़ में नारे सलवात पढ़कर उनका इस्तकबाल कीजिए। बैठे हुए हैं दर पा फकीरान फातिमा, खैरात हम
سلطان فاطمہ بطور خاص بطور خاص سماعت فرمائے شبیر ہنس رہے शबीर हंस रहे हैं मोहम्मद की गोद में रखा हुआ है रहेल पा कुरान फातिमा شمار مگر کر نہ پائے گی دنیا کرے شمار مگر کر نہ پائے گی دین خدا پا اتنے ہیں احسان فاطمہ مصرا تھا کہ بشر کر ہی نہیں سکتا سنائے فاطمہ بہرا قصیدہ جو بھی پڑھتا ہے برائے فاطمہ زہرا قصیدہ جو بھی نبوت کی مسیحا ہے ردائے فاطمہ زہرا نبوت کی مسیحا ہے ردائے فاطمہ زہرا سخن کا حکم جب تک مل نہ جائے اس کو بشر کہی نہیں سکتا ثنائے فاطمہ زہرا بشر کہی نہیں سکتا ثنائے فاطمہ زہرا جس کو ملتی ہے اسی در سے شفا ملتی ہے پیغمبر بھائی جس کو ملتی ہے اسی در سے شفا ملتی ہے ساری دنیا کو برابر سے شفا ملتی ہے شفا ملتی ہے اپنی امت کی شفاعت کا ذریعہ ہے جو اس کو معصومہ کی چادر سے شفا ملتی ہے اس کو معصومہ
درد سے شفا ملتی ہے۔ مریم بھی ان سے کم ہیں، مسیحا سے پوچھ لو، مریم بھی ان سے کم ہیں، مسیحا سے پوچھ لو، آدھا بھی مرتبہ نہیں، سارا سے پوچھ لو، آدھا بھی مرتبہ نہیں، سارا سے پوچھ لو۔ اپنوں کا کیا ہے تذکرہ؟ آدھا سے پوچھ لو۔ اپنوں کا کیا ہے تذکرہ؟ آدھا سے پوچھ لو۔ جاؤ مباہلہ میں نصارا سے پوچھ لو، جاؤ مباہلہ میں نصارا سے پوچھ لو۔ حیدر سے زہرا سی عورتیں ہیں، نہ حیدر سے مرد ہیں۔ زہرا سی عورتیں ہیں، نہ حیدر سے مرد ہیں، ختم الرسول کے بعد یہ زوجین فرد ہیں۔ ختم الرسول کے بعد یہ زوجین فرد ہیں۔ نہایت خوش فکر شاعر، نہایت خوبصورت طریقے سے اپنے اشعار آپ کی سماعتوں تک پہنچانے والا شاعر نازی شمروبی سے میں درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی کونین میں نذرانے عقیدت پیش کریں۔ نازی شمروبی، آپ نعرہ درود سن کر استقبال کر رہے ہیں۔ بطور خاص پیش کرانا تھا کہ نئی زمین آپ کو ملاحظہ کریں حضرات کہ آج کا دن عید سے بڑھ کر ہے اے ارباب دین، آج کا دن عید سے بڑھ کر ہے اے ارباب دین، یعنی اس دن خوش ہوئے ہیں رحمت للعالمین۔ آج کا دن عید سے بڑھ کر ہے اے ارباب دین، یعنی اس دن خوش ہوئے ہیں رحمت للعالمین۔ اور یوں مدینے سے حرم تک جگمگاتی ہے زمین، یوں مدینے سے حرم تک جگمگاتی ہے زمین، مصطفیٰ کے گھر میں اترا اختر چرخ بری، مصطفیٰ کے گھر میں اترا اختر چرخ بری، اور شور ہے ہر سو یہ رحمت ہو مبارک آپ کو، شور ہے ہر سو یہ رحمت ہو مبارک آپ کو، یا حبیب کبریا یا رحمت للعالمین۔ شور ہے ہر سو یہ رحمت ہو مبارک آپ کو، یا حبیب کبریا یا رحمت للعالمین۔ اور مثل ان کے کب ہیں آخر انجم و خورشید و ماہ، مثل ان کے کب ہیں آخر انجم و خورشید و ماہ، ان کی خاطر ایسی تشبیہات تو کچھ بھی نہیں، ان کی خاطر ایسی تشبیہات تو کچھ بھی نہیں۔ اور آپ واقف ہیں میرے دل کے ہر ایک ارمان سے، آپ واقف ہیں میرے دل کے ہر ایک ارمان سے، آپ کی چشم کرم مجھ پر ہے ہر دم بالیقین، آپ کی نظر کرم مجھ پر ہے ہر دم بالیقین۔ اور دیکھ کر نور رخ زہرا یہ عیسیٰ نے کہا، دیکھ کر نور رخ زہرا یہ عیسیٰ نے کہا، مثل موسیٰ آج مجھ کو غش نہ آ جائے کہیں، مثل موسیٰ آج مجھ کو غش نہ آ جائے کہیں۔ دیکھ کر نور رخ زہرا یہ عیسیٰ نے کہا، مثل موسیٰ آج مجھ کو غش نہ آ جائے کہیں۔ اور آپ کی پاکیزگی ذہن و گما سے ماورا، آپ کی پاکیزگی ذہن و گما سے ماورا، اور عظمت مانیوں الفاظ کی حد میں نہیں، آپ کی پاکیزگی، آپ کی
پاکیزگی ذہن و گما سے ماورا اور عظمت مانیوں الفاظ کی حد میں نہیں. اور یہ شعر دیکھ لیں, ایک اور مطلع ہے اس کے اندر کہ کشمکش میں گم ہے ذہن آدمیت بالیقین, کشمکش میں گم ہے ذہن آدمیت بالیقین, عقل کہتی ہے کہ ہیں آنکھیں یہ کہتی ہیں نہیں, عقل کہتی ہے کہ ہیں, عقل کہتی ہے کہ ہیں آنکھیں یہ کہتی ہیں. امام زمانہ کے سلسلے میں ہے مطلب کہ کشمکش میں گم ہے ذہن آدمیت بالیقین, عقل کہتی ہے کہ ہیں آنکھیں یہ کہتی ہیں نہیں, اور غیبت حق کا تصور شرط ہے ایمان کی, غیبت حق کا تصور شرط ہے ایمان کی, جستجو غیب کو درکار ہے محکم یقین, جستجو غیب کو درکار ہے محکم یقین. مقتا دیکھیں کہ ناز کر نازش تیری ماں ہے کنیز فاطمہ, ناز کر نازش تیری ماں ہے کنیز فاطمہ, اور تیرا بابا ہے دربان امیر المومنین, ناز کر نازش تیری ماں ہے کنیز فاطمہ, اور تیرا بابا ہے دربان امیر المومنین. کشمکش میں گم ہے ذہن آدمیت بالیقین, عقل کہتی ہے کہ ہیں آنکھیں یہ کہتی ہیں نہیں, آج کا دن عید سے بڑھ کر ہے ارباب دین, یعنی اس دن خوش ہوئے ہیں رحمت للعالمین. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں, میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں, کہیں سے حکم ملا ہے جو حاضری ہوئی ہے, کہیں سے حکم ملا ہے جو حاضری ہوئی ہے, اور یوں سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد, یوں سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد, میرے لیے میرے مولا نے بات کی ہوئی ہے. اب میں درخواست گزار ہوں منور جلال پوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات ایک مطلب کچھ شہزادی کے لیے, آپ حضرات کو جشن کی مبارکباد. فکر اسلامی ہو ایمانی طبیعت چاہیے, فکر اسلامی ہو ایمانی طبیعت چاہیے, بطور خاص ملاحظہ فرمائیے. فاطمہ لب کھولنے والی ہے تھوڑی دیر میں, بول اے قرآن تجھ کو کتنی آیت چاہیے, بول اے قرآن تجھ
मुलाजा फरमाइए आखिरी शेर अकीदे का मारु भाई पंजतन लिखा हो दीवारों पे छत पर हो अलम पंजतन शेर है। मुलाजा फरमाइए मौलाना खतीब अली में डॉक्टर काज़िम दिलमुई साहब की दुआओं के साथ पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाइए
शुमार उनका ही होगा सैयदा तेरी कनीजों में, शुमार उनका ही होगा सैयदा तेरी कनीजों में, हया शा जिनका जेवर है, हया शाइस्तगी इल्मो हुनरगी जिनका जेवर है, हया शाइस्तगी इल्मो हुनरगी जिनका जेवर है। अब ये अकीदे का शेर मदे हाजिर में पेश करता हूँ, आप का मुकद्दर है ये मुलाजा फरमाइए। बयाद करबला निकला है जो नमनाक आँखों से, बयाद करबला निकला है जो नमनाक आँखों से, करम कर दे अगर जहरा तो फिर कतरा भी गौहर है, जुदा वो कर मेरी आँखों की बस्ती से गमेश में, मिले रूमाल जहरा से ये अशकों का मुकद्दर है, नसीर भाई मुलाजा फरमाइए। जनाबे फातिमा जहरा की मिदहत का ये सदका है, जनाबे फातिमा जहरा की मिदहत सीधा लिखने पढ़ने में मुनव्वर भी मुनव्वर है, कसीदा लिख